हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं घर और किचन के काम के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आ चुकी हूँ कि आपके किचन में भी काम आने वाले हैं और दोस्तों आपका टाइम भी बचने वाला है, साथ ही साथ आपके पैसे भी बचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से, जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा मोबाइल हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है और इसमें काफ़ी धब्बे धब्बे हो जाते हैं, तो इसको हम पानी से भी नहीं साफ कर सकते हैं और ना ही इस तरीके से हल्का गीले कपड़े से भी। तो देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कोलगेट लगा लिया है। कोलगेट लगाने के बाद मैंने ले लिया है विनेगर, बस विनेगर हल्का मुझे लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और कॉटन में लगाने के बाद इसको मुझे अच्छी तरीके से रफ़ कर लेना है। तो कभी ऐसा होता है कि हम खाना भी खाते हैं तो हमारा ऑयली भी हाथ लग जाता है, तो इस पर का जो बिल्कुल चिपचिपापन है बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होता है। तो इस तरीके से लगाने के बाद मुझे अच्छी तरीके से रफ़ कर लेना है। अगर कॉटन नहीं है तो हमें कपड़े के हेल्प से भी कर लेना है। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से रफ़ कर देती हूँ। और दोस्तों रफ़ करने के बाद आप देखेंगे कि मोबाइल काफ़ी क्लियरिटी हो जाता है, काफ़ी साफ भी हो जाता है। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है और मैं एक ख़राब कपड़ा लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से रफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी अच्छा ही क्लीन हो जाता है। जितने भी दाग धब्बे इसमें ऑयल वगैरह लगे रहते हैं बिल्कुल ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर में बहुत इजीली तरीके से अपने मोबाइल को और भी चीज़ों को अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कपड़ा रख दिया है और थोड़ा सा कॉटन लेने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसको थोड़ा जो ऊपर से लगा हुआ है अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये पहले से काफ़ी बेटर, ये मोबाइल अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ चुकी है। तो दोस्तों घर में ऐसे छोटे मोटे बहुत सी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक रहती है कि हम इसको पानी से नहीं साफ़ कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी तरीके से इस तरीके से मोबाइल को हम क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं लाइट भी जला के दिखाएं, ये दोनों तरफ से बिल्कुल ओके हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे ट्रिक आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से फोम को लेके है। तो दोस्तों जब हम मार्केट से कोई कपड़े वगैरह लाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें इस तरह का फोम आता ही है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह का जो ये फोम रहता है हम इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो ये फोम है आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, ये फोम हमारे बहुत ही काम आता है, हम इसको कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा वरना वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। तो ये इस तरीके से मैंने मोजा ले लिया है और मोजे के अंदर इस तरीके से ये जो फोम डाल रही हूँ, अब मैं क्यों डाल रही हूँ इस फोम को, तो चलिए जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो मैंने डाल लिया है फोम को और इसी तरीके से जो दूसरा फोम है उसको भी मैं इसी तरीके से मोजे के अंदर डाल लेते हैं। दोनों मोजे के अंदर मैंने डाल लिया है और दोस्तों मैं आगे की प्रोसेस भी बताऊंगी इसको मैंने क्यों डाला है। तो अब मैं इसमें चूड़ियों को हैंग करने वाले हैं, तो चलिए चूड़ियां लगा लेते हैं इसमें। तो होता है ना दोस्तों, कभी हम लंबे सफ़र में जाते हैं या हमारे घर में शादी ब्याह पड़ता है तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाती है। और ऐसे हम जब चूड़ियाँ ले जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारी चूड़ियाँ, बहुत सारी चूड़ियाँ टूट भी जाती है और हमारी चूड़ियाँ कामयाब भी नहीं होती है। तो इस तरीके से रोल बना के फोम का मोजे में भर के और आप बहुत इजीली तरीके से ले जा सकते हैं, माइंड फ्री टेंशन फ्री बहुत इजीली तरीके से ले जा सकते हैं। एक भी चूड़ी आपका नहीं ख़राब होने वाला है, ना ही इसका ये जो किरकिरापन है बिल्कुल छूटने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही चूड़ी सेफ्टी हो चुकी है। आप चाहे तो बहुत बड़ा डिब्बा भी ले सकते हैं और ढेर सारी चूड़ियों को 2 से 3 मोजा बड़ा भी लेके इसमें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए ये बहुत ही छोटा डिब्बा है, इस तरीके का ये जो डिब्बा है हमारे घर में बेकरी के सामान वगैरह आते हैं तो बहुत सारे डिब्बे हैं, तो मैं इसी तरीके का ही डिब्बा जब कभी लंबे सफ़र में जाती हूँ तो मैं इसी तरीके का ही डिब्बे आजमाती हूँ और इसी तरीके से ही रख के मैं लंबे सफ़र में अपनी चूड़ियाँ वगैरह कड़े वगैरह ले जाती हूँ और बिल्कुल सेफ रहता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रिक आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैंने रख लिया है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना जगह कितना स्पेस बचा हुआ है, तो उसी हिसाब से ढेर सारी चूड़ियाँ आ जाएगी। और मैंने तो इसमें बहुत ही कम चूड़ियाँ रख के दिखाया है आप सभी को, आप चाहे तो इसमें ढेर सारी चूड़ियाँ रख सकते हैं। मैचिंग की चूड़ियाँ बहुत इजी तरीके से आप लंबे सफ़र में ले जा सकते हैं। तो चलिए मैंने इस तरीके से रख लिया है, अब खोल के भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल चूड़ियाँ इसमें टस से मस नहीं होने वाली है, ना ही चूड़ियाँ इसमें टूटने वाली है।
तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे टिप के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं और बिल्कुल इजी तरीके से आपका काम भी आसान हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं। इस तरीके का जो ये बॉटल होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको फेंक देते हैं। जी नहीं दोस्तों, आज के बाद ये बोतल आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हम बोतल को कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। ऐसे बोतल हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से जो बोतल है इतने सेंटर पे मैं काट लेती हूँ। बड़ा बोतल रहे तब भी चलेगा, छोटा बोतल है तब भी चलेगा। तो देखिए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो कोई सामान हम राशन का या खाने का सामान रख देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हाथ से डाल के निकालना चालू कर लेते हैं। हाथ, बच्चे का हाथ भी गीला है, या तो हम बड़े ही रहते हैं तो क्या करते हैं, अगर बाई चांस हाथ गीला है तो हमें सोचना पड़ता है कि हमारा हाथ गीला है, हम कैसे इसको निकालें। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से बॉटल को काट के रख लेना है। और बॉटल को काटने के बाद अब आप इसको कैसे भी अपने राशन या खाने के सामान में रख लेंगे तो आप देखेंगे ना कि बहुत ईजी तरीके से ये आप खाने के सामान या राशन का सामान बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे हैक टिप आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ कि मुझे इसको कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है, अब मुझे राशन निकालना हो गया है या खाने का कोई सामान बच्चे का साथ है, तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये जो खाने का चीज़ है, आप इसको क्या बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसको मुरमुरे भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लाई भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे दाना भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ खाने को हो गया इस तरीके से निकालते हैं तो हाथ गीला रहता है, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाता है। तो समस्या ना हो, हमारे बच्चे भी परेशान ना हो, तो इस तरीके से आप बोतलें काट के छोटे छोटे रख दीजिए खाने पीने के सामान में, और बच्चे बहुत इजीली तरीके से इसका आनंद उठा सके। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का टिप आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।